हाय हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए के पांच अति महत्वपूर्ण। दोस्तों मैं बता दूं कि पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों मैं वही सवाल आप लोगों को बताता हूं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों की मात की महत्वपूर्ण पांच प्रश्न। देखिए पहला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है पाँच, इसके बाद छः, इसके बाद पाँच, इसके बाद आठ, के बाद नौ, इसके बाद सेवन, के बाद है दस, सात, और यहाँ पर खाली स्थान जो है यहाँ पर बताना है लुप्त अंक यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसमें दिमाग लगाना होगा दोस्तों कि ये सब मिल के ये पाँच यहाँ पर कैसे आया। अगर इधर से नहीं होगा सही तो फिर इधर से करना पड़ेगा। तो चलिए पहले ये सिद्धांत की लेते हैं। जैसे मान लीजिए छः, छः में से पाँच घटाएंगे तो कितना आएगा, एक, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दिया हुआ है। दूसरा का देखते हैं, नौ में से अगर आठ घटाएंगे तो एक आएगा, लेकिन यहाँ पर सात दिया हुआ, तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद चलिए इधर से देखते हैं, इधर से चलिए देखते हैं। तो इसको आप गुना कर लीजिए, तो आठ पंच चालीस, चालीस गुने दस बराबर कितना होता है, चार सौ होता है दोस्तों। के बाद है नछा के चौवन, चौवन और सात पे गुना कीजिएगा तो तीन सौ अठहत्तर होता है। इसके बाद चलिए पाँच और सात, पाँच और सात के गुना के सात पंच पैंतीस, और पैंतीस तो कितने से गुना करेंगे तो यहाँ पर तीन सौ पंद्रह आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है नौ, सात, पाँच, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तीन। तो अगर सात पंच पैंतीस होता है तो पैंतीस और सवाल ऑप्शन नंबर ए के ले लेते हैं, पैंतीस और नौ को गुना करेंगे तो कितना आएगा। पैंतीस और नौ को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा, इसे देखिए पैंतीस और गुने नौ को गुना कर लीजिए तो नौ पंच पैंतालीस का पाँच, हाथ में आएगा चार। इसके बाद जो है नतीजा सत्ताईस, सत्ताईस और चार इकतीस का एक, हाथ में तीन, यानी तीन सौ पंद्रह मेरा आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नौ होगा, यहाँ पर नौ होगा। तो यहाँ पर ना होगा तो ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों के मेरा ये सवाल अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। चलिए दो सवाल नंबर दो पे चलते हैं। यहाँ पर भी कहता लुप्त अंक निकालिए। देखिए सवाल सेम ही है, खाली चेंजिंग यहाँ पर देखिए किस तरह हुआ है, बस यही देखना है। जैसे मान लीजिए चलिए अब देखिए ये और इन दोनों को क्या किया है तो इतना आया है, या फिर अगर इसको और इसको जो क्या किया है जो इतना आया है। तो चलिए इसमें भी इसको और इसको क्या किया है तो इतना आया है, और इसको इसको क्या करेंगे तो इतना आएगा। ये दोनों को जब एग्जांपल मेरा सही आएगा तो उसी तरह ये भी बनेगा। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाईस है और दस है तो कितना हुआ, बाईस और दस बत्तीस, देखिए यहाँ पर दोस्तों बत्तीस दिया हुआ है। तो इसमें चलिए चौहत्तर, ये चौदह और चौहत्तर के अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, चार चार आठ, सात एक आठ अठासी आता है, अठासी दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी ले लीजिए कितना है, छः तीन और छः कितना होगा, यहाँ पर होगा नौ, नौ, इसके बाद है दो और तीन पाँच उनसठ। तो मेरा जो है ऑप्शन में उनसठ है, आंसर सवाल नंबर ए मेरा पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद है चलिए सवाल नंबर तीन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर तीन की ओर चलते हैं तो सवाल नंबर तीन में जो है इसमें भी दिए गए है, दिए गए संख्या, दिए गए संख्या में लुप्त अंक ज्ञात करें। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी जैसे सवाल नंबर एक का
क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी तरह इसमें भी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 8 है, 6 है, 4 है, इसके बाद 8 है, 10 है, 12 है, 4 है, 2 है, इसके बाद लुप्त अंक यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, अगर पहले इधर से कर देते हैं 8 6 14, लेकिन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, इसके बाद 10 8 18 होता है, या गुना कर दे 10 8 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अगर इस तरह जोड़ते हैं तो 10 और 8 18 होता है, लेकिन 12 दिया हुआ। इस तरह से मेरा सवाल नहीं बनेगा। इधर से ले लेते हैं तो 8 और 8 कितना हुआ, 88 64, और 64 को 4 को गुना कर दीजिएगा तो 256 आता है दोस्त। 88 64 और 4 को गुना कर दीजिएगा तो 256 आता है। उसी तरह 10 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10 6 के 60 और गुने 2 120 आएगा। इसी तरह 12 और 4 को गुना कीजिएगा, 12 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 4 को गुना करेंगे तो 12 चौक 48, और 48 में ऑप्शन देख लीजिए 8 है, 4 है, 2 है, इसके बाद 0 है, कितना होता है 12 चौका 48 होता है। तो 48 को हम सब ऑप्शन नंबर ए से अगर गुना करते हैं, ऑप्शन नंबर ए से गुना करते हैं, अगर 8 आता है तो 88 64 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कितना 92, तो शुद्ध इकाई अंक हमें 2 आना चाहिए। इसके बाद 12 चौका 48, 48 और 4 को गुना करते हैं बी ऑप्शन 4 का, 8 चौका 32 का 2 होता है, हाथ में 3 के बाद चार चौक 16 और 3 19 यानी 192 को मेरा यहाँ पर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन मिले और उस वीडियो का लाभ उठाकर आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम पास कर लीजिए। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 4, इसमें भी कहता है लुप्त अंक निकालिए। देखिए लुप्त अंक निकालिए, लेकिन सब लुप्त अंक निकालिए और देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 6 के बाद 3 8 और ये 6। दोस्तों आपको ये दिमाग लगाना है कि ये क्या किया है तो 6 आया है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुना करो, कुछ भी करके हमें 6 आना है। उसी तरह इसमें भी है ये और ये क्या किया है जो 26 आया है। चलो देख लेते हैं एक बार जो क्या किया है, तो ये इसको और इसको गुना करेंगे तो 56 30 और 8 3 24, यानी 30 में से अगर 24 घटाएंगे तो 6 आता है। दूसरा को भी देखते हैं 10 4 40 और 7 2 14, 7 2 14 होता है, तो 10 4 40 में से अगर 14 घटाएंगे 26 आता है। उसी तरह हम इसको ले लेंगे, 9 है ये और ये 7 है, 9 7 63 और 8 6 48, 8 6 48, तो दोस्तों अगर 63 में से माइनस 8 6 48 घटाएंगे तो आपको आएगा 15, तो यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा 15 आएगा, तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, इसमें भी बोल रहा है कि लुप्त अंक निकालिए, तो लुप्त अंक निकालिए निकालेंगे कैसे, चलिए यहाँ पर दिया है 5, इसके बाद 3, इसके बाद जो है 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8 है, 6 है, के बाद 5 है, 4 है, क्या किया है कि यहाँ पर हमको, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको लुप्त अंक निकालना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों ऑप्शन में कि ये दोनों 26 कैसे आया हुआ है, इन सबको जोड़ कर आया है या फिर घटा कर आया है या गुना करके आया है कि क्या करके आया है 26, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको हम गुना करेंगे 5 और 4 का 5 20, और इसको गुना करेंगे कितना होगा 3 2 6 तो 20 6 26 आ गया। उसी तरह 8 और इसको गुना करेंगे तो 8 4 32, इसके बाद 6 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 5 30, तो 32 और 30 कितना 62 होता है, ये भी आ गया। उसी तरह इसको भी हम करेंगे तो 8 3 24 और इसके बाद जो है 8 3 24